अब एक काम करते हैं, फटाफट ऐसे नीचे देते हैं और जल्दी जाके वो लंच बॉक्स। माय बेस्ट फ्रेंड आई लव यू, माय बेस्ट फ्रेंड आई लव यू। चाचा जा, अरे म्यूजिक बंद करो जरा। चाचा चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो यार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और गाइस आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2। अब जैसे कि आप सभी को याद होगा कि हम इस गेम में दो एस्केप कर चुके हैं, यानी कि डोर एस्केप और उसके साथ ही साथ बोट एस्केप। और फिलहाल आपको पता है कि इस गेम में होता है पूरे के पूरे 3 एस्केप, जिसमें कि हमारा एक एस्केप रह गया जो कि हेलीकॉप्टर एस्केप। और फिलहाल आज की वीडियो में हम करने वाले हेलीकॉप्टर एस्केप। तो अभी अभी कमेंट में जाके बताओ कि हमारा ये एस्केप हो पाएगा कि नहीं। तो फिलहाल अब फटाफट अपने गेम को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट अपना डे वन। और हमेशा की तरह हमें फिर से फेंक दिया गया उसी कमरे में जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और कुछ दिनों से हमारी जिंदगी इसी में गुजर रही है, ना ही खाने को कुछ मिलता है और ना ही पीने को। तो फिलहाल एक काम करते हैं, यहां से फटाफट ऊपर चलते हैं, क्योंकि तुम्हें पता भाई और मुझे ही पता कि नीचे साइड कुछ नहीं मिलता। नीचे बिल्कुल भी एक घटिया भाई, पूरा का पूरा एक घर घटिया नीचे वाला। तो फिलहाल इसमें चेक करो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें चेक करो, इसमें भी कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं मिल रहा। मुझे पता भाई स्टार्टिंग में तो हमें कुछ मिलने नहीं वाला। फिलहाल यहाँ पे ग्रैंड पा तो नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना हर बार ग्रैंड पा आगे साइड होता है। पहले मैं इसको खोल देता हूँ ताकि मुझे अगर वेपन की मिले तो मैं फटाफट इसको मैं आगे लगा दूँ इसमें। वो एक सेकंड, इसमें कुछ एक सेकंड इसमें तो नहीं भाई। मुझे पहले ऐसा लगा कि इसमें सेफ की पड़ी है, लेकिन भाई ये तो पूरा का पूरा खाली है और ये भी खाली है। वो एक सेकंड, यहाँ पे हेलीकॉप्टर मैनुअल मिल गया था। चलो भाई यहाँ पे भाई जो चीज़ हमें पहले मिलनी चाहिए थी, चलो उसका तो काम बन गया। और फिलहाल एक काम करें, यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन मुझे साउंड आ रहा है कि भाई यहाँ पे ग्रहणी कहीं आसपास ही है मेरे। और फिलहाल इसको चेक करो, इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें देखते हैं भाई, इसको पहले बंद करो, इसको बंद करो भाई, नहीं तो भाई बाहर से आकर ना ग्रहणी मेरा मुंह तोड़ देगी। इसमें कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं, तीनों ड्रॉर खा लिया भाई। देख लो मतलब किस्मत भाई बहुत ही ज्यादा गलत है। अब फिलहाल यहाँ से ना ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि देखो नीचे वाला मैंने पूरा का पूरा फ्लोर चेक कर लिया। अब एक काम करते हैं, ऐसा ना ऊपर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर है तो नहीं कोई। अब नीचे पहले देख लो एक बार ना, चेक कर लेते हैं इन कमरों में क्या आता है, इन कमरों में कुछ मिल जाए। फिलहाल वैसे तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन भाई चेक करने में क्या जाता है। देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। और इसमें इसमें भाई स्पार्क प्लग का क्या करो, वो तो भाई बोर्ड एस्केप लिए आता है। अब यहाँ पे और कुछ तो है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, ऐसा ना ऊपर ही जाना पड़ेगा भाई, ऊपर ही मिलता ज्यादा कर सामान। और फिलहाल देखो सारा का सारा नीचे वाला फ्लोर तो मैंने चेक कर लिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ना ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन कोई आ तो नहीं रहा यहाँ से। देखो अगर नीचे कोई नहीं तो इसका मतलब भाई दोनों बुढ़ा बुढ़ी ऊपर ही हैं। अब मुझे यहाँ से ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसको पहले चेक करूँ, इसमें क्या पड़ा, डोर लॉक। अब इसमें इसमें कुछ नहीं है। ओ भाई एक सेकंड भाई, मुझे पता था भाई ये बुढ़ा यहाँ से आ रहा हुआ, क्योंकि हर बार ये ऊपर ही रहता है। अब फिलहाल देखो आ गया भाई, आ गया मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको तो भाई मैं अब बड़े गंदे वाला उल्लू बनाने वाला हूँ। फिलहाल देखो ग्रैंड पास इतना डर नहीं लगता, क्योंकि ग्रैनी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, उसको आवाज़ सुनकर भाई पता लग जाता है। अब पहले मैं इसको ना पीछे मैंने इसलिए गया, देखो आगे ग्रैनी भी यहीं पर आएगी और ग्रैंड पास उसके साथ ही साथ आएगा और मैं यहाँ से ऊपर निकल लूँगा। और फिलहाल एक काम कर, देखो दोनों के दोनों नीचे आ गए होंगे मेरे हिसाब से तो, लेकिन ग्रैंड पास तो मुझे दिख रहा है। ग्रैनी कहाँ भाई, अच्छा ये देखो आ गई। मैंने कहा था कि जैसे मैं उसको घेरूंगा ना, ग्रैनी पक्का साउंड सुन के नीचे आ जाएगी। अब यहाँ से भाई फटाफट ऊपर निकल लेते हैं। अब फिलहाल देखो सामने वाले दो मैंने जो ड्रॉर थे वो तो चेक कर लिए। अब इसमें ओ भाई साहब यहाँ पे स्टन गन दोबारा से मिल गई। कैसे आपको याद हो कि जब हमने यार बोट एस्केप किया था तो हमें स्टन गन यहीं पे मिली थी। अब इन भाई इन समय तो खाली पट रखा है। अब एक काम करते हैं, इनको ना पहले सुला देता हूँ। इधर बुढ़िया अपना स्लैगर लेके जल्दी से मेरे पास आ, अब चल निकल यहाँ से। भाई ग्रैंड पास के पीछे था ना, देखो वहीं पे खड़ा भाई, मेरी स्टन गन की एमओ भी नहीं मिल सकती, अभी नहीं मिल सकती और मुझे अभी चाहिए भी नहीं। तो ये ग्रैंड पा भाई अपनी हॉकी मेरे मुंह पे बचा देगा। अब फिलहाल एक काम करता हूँ, यहाँ से ना आगे निकलता हूँ। ये ग्रैंड पा आ रहा है क्या मेरे पीछे, भाई आ रहा है मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब फिलहाल यहाँ पे देखो पीछे एक रेंच पड़ा है, लेकिन रेंच अभी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से मैं नीचे उतरता हूँ, ग्रैंड पा तो यहाँ से नीचे आ नहीं पाएगा। अब फिलहाल फटाफट ऊपर जाएंगे, वहाँ से अपने स्टन गन उठाएंगे, उसके बाद इस ग्रैंड पा का भी मैं मुंह तोड़ दूंगा। अब ग्रैनी अभी तक गायब नहीं भाई, अरे बुढ़िया हट जाए यहाँ से, तो अपनी स्टन गन की एमो उठाओ। अरे हट जाना भाई, सही में दिमाग खराब कर देते हैं, एक ही जगह जाके चिपक जाएगी। देखो ये अब निकलने भी नहीं दे रही मुझे। चलो बस अभी आ जा बुढ़िया, आ तेरे इंतजार था मुझे, चल निकल यहाँ से तू भी। हाँ भाई चल, तो यहाँ से चलो अपनी फटाफट अपनी स्टन गन की एमो उठाओ और मुझे सिक्योरिटी कीजिए। तेरी सिक्योरिटी की चाहिए, अबे सिक्योरिटी की दे भाई बुढ़े, अबे सिक्योरिटी की दे ना, क्या कर रहा है तो भाई, सिक्योरिटी की दे दे। देख रहे हो इसको भाई, ये क्या ग्रैंड पे है भाई, अपनी सिक्योरिटी की दे दे। चलो यहाँ पे मुझे लग रहा है अब मिल जाएगी, हाँ अब मिल जाएगी। अब एक काम करते फटाफट लगे हाथों ना, मैं जाके बोला दरवाजा खोल देता हूँ, ये अगर ग्रैंड पर जिंदा हुआ तो भाई बहुत दिक्कत हो सकती है, इसको खोलो। अब यहाँ पे इस वाले ड्रॉ में हम चेक करते हैं, इसमें ना काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है, लेकिन इस बार मिली है बोट की, जिसका मुझे कोई भी यूज़ नहीं है अभी। और फिलहाल एक काम करते, देखो अभी हेलीकॉप्टर के लिए भाई मुझे कुछ भी नहीं मिला, बस उसका मुझे हेलीकॉप्टर मैनुअल मिला है। अब फिलहाल देखो अभी और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो एक काम करते इसमें चेक करें, इसमें कुछ नहीं है और इसमें
इस ओ भाई भाई क्रो बार मिल गया भाई साहब। यहाँ पे किस्मत काफी ज्यादा सही चलने लगी फिलहाल मेरी। अब एक काम करते जल्दी से ना इसके लगे हाथों, तो इसका मैं जो बॉक्स है सामने वाला उसको भी खोल देता हूँ, इसमें से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ओ भाई साहब चलो यहाँ पे गैसोलीन ऑयल मिल गया जिसका भी अभी काम है, तो इसको ना मैं यहीं पर फेंक देता हूँ। अब फटाफट जितना भी सामान मुझे मिलता रहेगा मैं ना उसी कमरे में फेंक दूंगा ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे करना ना पड़े। और फिलहाल पे देखो गिरानी सो रखी थी 2 मिनट के लिए और गिरान पर भी 2 मिनट के लिए सो रखा है, तो फटाफट यहाँ से अपनी स्टन गन उठा लो। क्या बता भाई ये बुढ़िया एकदम से जाग जाए और मेरा मुंह तोड़ दे, तो इसलिए मुझे भाई यहाँ पे संभल के रहना पड़ेगा। फिलहाल इस कमरे में चेक करें, इसमें कुछ नहीं है भाई। इस कमरे में ना मैं जो पता ही है भाई कुछ भी नहीं मिलता भाई, कुछ भी नहीं। और फिर यहाँ पे पीस ऑफ पेपर पड़ा है। अब यहाँ पे मुझे 3-4 से चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होती है ताकि वो जो ग्रैंडपा के पिक्चर होता है उसको कंप्लीट करने के लिए। और फिर इसको ना फटाफट लेके ऊपर चलते हैं। और इस वाले कमरे में कहाँ जाना पड़ता है हमें, इसमें क्या पड़ा, हैंडविल। भाई हैंडविल की जरूरत नहीं है वो भाई साहब, पिछली बार आपको याद हो कि हैंडविल ढूंढते ढूंढते कम से कम मुझे भाई 10 से 15 मिनट लग गए थे, लेकिन भाई मुझे हैंडविल मिला नहीं था। अब देख लो गेम की स्टार्टिंग में भाई मुझे हैंडविल मिल गया। और फिर इस पिक्चर को यहाँ पे लगाओ, सेम किस्मत भाई बहुत ही ज़्यादा घटिया है। कभी बोल रहा हूँ किस्मत बेकार है, कभी बोल रहा हूँ किस्मत सही है। चलो कोई बात नहीं भाई, सही है किस्मत। अभी देखो इस वाले गेम में तो सही है, अब फिलहाल पिछले वाले गेम में तो बेकार थी। लेकिन यहाँ से अपनी फटाफट स्टन गन उठा लो। अब इसमें चेक करते हैं इसमें क्या पड़ा है, इसमें ग्लास क्या पड़ा है, ग्लास फ्यूज़। इसका कोई यूज़ होता है क्या भाई, मुझे तो पता नहीं। एक काम करते हैं इसको ना अभी छोड़ो, बाद में अगर इसका कोई यूज़ होगा तो अभी इसको यहाँ से उठा लूँगा। अब फिलहाल एक काम करते हैं इस वाले का ना खोल के, जल्दी से खुल जा भाई, ग्रैनी आ जाएगी यहाँ से। तो चलो गाइस अभी मुझे लग रहा है कि ग्रैनी आ रही है, मुझे उसका साउंड तो आ रहा है। एक काम करते इसको ना नीचे करो, अब यहाँ से दोबारा से इसको उठा लो और ग्रैनी आ जा आ जा। मुझे लग रहा था, मुझे भाई पक्का पता था कि ग्रैनी आ रही है क्योंकि इसका मुझे साउंड आ गया था। अब जल्दी मेरी एमो देना, खा जाएगी क्या मुझे यहाँ से। इसके ऊपर नहीं सोना, इसके ऊपर नहीं सोना तूने, बार बार इसके ऊपर सो जाएगी और मेरी एमो खा जाती है। अब फिलहाल यहाँ से मुझे नीचे जाना पड़ेगा, देखते हैं आखिरकार हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। और फिलहाल सामने मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ये क्या पड़ रखा है भाई इस खिड़की से में, यहाँ पे डोर हैंडल टाइप लग रहा है भाई। डोर हैंडल ही है जिसका मुझे अभी कोई यूज़ नहीं है। और फिलहाल इसको मैं खोल देता हूँ और यहाँ से चलते हैं बाहर की साइड। और फिर ग्रैंडपा भी आता ही होगा, आ गया भाई। देखो मैं कहता आता होगा और यहाँ पे भाई मेरे पीछे ही रहा, अगर थोड़ी सी भी देरी मेरे हर करे तो भाई ये मेरा मुंह तोड़ देता। लेकिन यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, और फिलहाल ना आगे वाले कमरे में चढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले इसमें चेक कर लो, इसमें कुछ नहीं है। आगे वाले कमरे में काफ़ी बढ़िया चीज़ें मिल जाती है। लेकिन देखो यहाँ पे आप पीस ऑफ पेपर मिल गया जिसका अभी यूज़ पड़ा है। देखो यहाँ पे 3 पीस ऑफ पेपर की जरूरत है, फिलहाल मुझे एक और मिल गया, इसका मतलब 2 हो गए मेरे पास, बस एक की जरूरत और पड़ेगी। और फिलहाल जाकर ना लगे हाँ तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो चलो कौन सा कमरा, ये वाला था ना, हाँ अच्छा चलो यहाँ पे फटाफट चलते हैं। और यहाँ पे 2 तो कंप्लीट हो गए, बस इस ग्रैंडपा की भाई मुंडी रह गई है जिसको अभी मैं जो ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से नीचे चलो, अब मेरी स्टन गन कहाँ गई भाई, मेरी स्टन गन कहाँ गई, अभी तो मैंने यही गिरी थी, कहाँ गई मेरी स्टन गन कहाँ गई भाई साहब। तो चलो यार अभी मुझे याद है कि मैंने उसको आगे वाले कमरे में इसी बेड पे छोड़ी थी। हाँ देखो ये रही, मुझे अभी याद आया कि मैंने इस वाले बेड पे छोड़ दी थी इसको। और फिलहाल यहाँ पे रेंच पड़ा और इस वाले कमरे में इसमें कुछ नहीं है। और इस वाले में लास्ट में ओ भाई वेपन की, तो चलो भाई यहाँ पे वेपन की मिल गई मुझे। अब देखो यहाँ पे देखो स्टन गन भी पड़ी है और यहाँ पे वेपन की भी मिल गई। अब फटाफट जाके नीचे से भाई शॉटगन उठाते हैं, उनके बाद भाई इन ग्रैंडपा ग्रैनी का दोनों का मुंह तोड़ेंगे। और फिलहाल कुछ आ तो नहीं, यहाँ से फटाफट में जाके अपनी शॉटगन उठाते हैं, इसकी एमो 2। तो चलो यहाँ पे 2 एमो भी उठा ली मैंने। और फिलहाल एक काम करना, बस यहाँ से ग्रैनी आ जाए चाहे ग्रैंड पा आ जाए, भाई दोनों एक एक बार मुंह तोड़ दूंगा तो भाई इसमें मजा आ जाएगा। पहले मैं उसको साउंड करता हूँ और ताकि ग्रैंड जल्दी से आ जाए। आ जाने कहाँ रहेगी भाई, वैसे तो देखो फटाफट भागी भागी आती है लेकिन अब देखो आ नहीं रही। तो चलो वैसे अभी ना यहाँ पे ग्रैनी तो आई नहीं, ही ग्रैंड पाया, तो मैंने सोचा था फटाफट ऊपर चलते हैं और वहाँ से अपना ना क्रोबर उठाएंगे। लेकिन इससे पहले मैंने यहाँ पे क्या रखा था, ग्लास फ्यूज़। गाइस अभी मुझे याद है कि इसका भी यूज़ होता है, आगे जाके एक ना कॉर्नर पे इसको लगाते हैं। और फिर एक काम करते फटाफट अपनी शॉटगन उठा दूँ, क्योंकि देखो पीछे भी मैंने साउंड कर दिया तो इसका मतलब ग्रैनी आती होगी। अब एक काम करते हैं यहाँ ना थोड़ी देर वेट कर लो, यहाँ वेट करेंगे ग्रैनी आएगी उसके बाद उसका मुंह तोड़ के फिर जाके आगे वाला काम करेंगे। जल्दी से आ जा ग्रैनी, जल्दी साउंड कर दिया मैंने, फटाफट भागी भागी आ जा। अभी आ क्यों नहीं, क्या हो गया इसको भाई, आगे वाले कमरे में तो नहीं है। देखो अभी तो मैं आगे वाले कमरे से आया था, लेकिन आगे वाले कमरे में तो नहीं होनी चाहिए, यहीं पे होनी चाहिए। हो आज आगे 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 चल निकल यहाँ से। तो चलो बस अभी ग्रैंड भी लुढ़क चुकी है लेकिन ग्रैंड पर मुझे मिला नहीं। अब एक काम करते फटाफट ना ऊपर चलते हैं, कि देखो ऊपर भी साइड ना एक वो क्या कहते हैं उसको, एक बटन साइड जिसको हमने प्रेस करना है। तो अभी देखो कोई आ नहीं रहा पीछे, अब फटाफट यहाँ से ऊपर निकल लेते हैं। ग्लास इसको उठा लेता हूँ मैं, ग्लास की इसको इसको भी ऊपर जाके यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले भाई मुझे अभी और भी काम करना पड़ेगा, जैसे कि जो वहाँ पे ना 3 बटन से आते हैं उसको भी खोलना पड़ता है हमें। वैसे हमें बहुत ही ज़्यादा काम है, तो एक काम करो इसको यहाँ पे फेंक देता हूँ। अब फटाफट चलते हैं नीचे की साइड, नीचे जाके दोबारा से अपनी शॉटगन उठाते हैं। और जो सामने वाला स्विच है रेड कलर वाला, उसको अभी हमें खोलना पड़ेगा, उसको खोलेंगे तभी जाके नीचे वाला गेट खोलेगा। भाई बहुत ही सेम दिक्कत है यहाँ पे। तो चलो एक काम करता अभी ना फटाफट चलते हैं आगे साइड। लेकिन गाइस मैं तो एक चीज़ भूल ही गया, फिलहाल हमें यहाँ पे भाई वो भी चाहिए होगा, क्या कहते हैं उसको, कटिंग प्लायर्स चाहिए होगा। उसके बाद ही भाई वो वाला जो जाल से वो कटता है। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है। तो एक काम करता पहले ना उसी को मैं खोलता हूँ और यहाँ पे चलो बस यहाँ पे नीचे वाला गेट खुल गया, अब इसको मैं उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे दोनों की दोनों
वो फील होगी। अब एक काम करना पड़ेगा, मैंने क्रोबार तो भाई नीचे छोड़ रखा है, क्रोबार उठा के ना एक काम करते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पे भी एक बॉक्स होता है और मुझे लग रहा है क्या पता वहाँ से हमें कटिंग प्लायर्स मिल सकते हैं। ये देखो इतने वाले सारे मैंने जगह चेक कर ली, लेकिन अभी मैं जो कटिंग प्लायर्स तो मिले नहीं। अब फिलहाल क्रोबार कहाँ गया मेरा, ये रहा ये रहा। तो चलो अब यहाँ से फटाफट क्रोबार को उठाते हैं। अब मैंने पीछे वाले रास्ते से निकलता हूँ क्योंकि यहाँ पे पीछे एक और गेट होता है, ये वाला शायद, हाँ ये खुल जाता है ना। चलो गाइस यहाँ पे वाला गेट खुल गया, अब एक काम करते हैं फटाफट से नीचे जाते हैं और जल्दी जाके बोला बॉक्स। माय बेस्ट फ्रेंड आई लव यू, माय बेस्ट फ्रेंड आई लव यू। भाई साहब कहाँ से आ गए ग्रैंडपा, मतलब देख रहे हो भाई मेरा ही वेट कर रहा था, जैसे ही मैं आया भाई इसने अपनी हॉकी मेरे मुंह पे बजा दी। अब फिलहाल एक काम करो, चलो यहाँ से डे टू स्टार्ट हो गया अपना, लेकिन कोई बात नहीं अभी ना फटाफट जाके वो क्रोबार उठाएंगे, उसके बाद नीचे जो बॉक्स है उसको खोलेंगे और काश हमें यहाँ से यार कटिंग प्लायर्स मिल जाए जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। देखो नीचे जो इलेक्ट्रिसिटी तो हम फिलहाल काटेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी का अभी कोई यूज़ नहीं है, वो तो भाई डोर स्केप करने के लिए यूज़ होती है। अब फिलहाल एक काम करें यहाँ से ना फटाफट ऊपर निकल लेते हैं और इस वाले बॉक्स में, सॉरी बॉक्स कर रहा हूँ, इस वाले दरवाजे में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मैंने कभी कभार कुछ ना कुछ चीज़ मिल जाती है लेकिन इस बार कुछ नहीं पड़ा, तो चलो यहाँ से ना हमें क्रोबार उठाना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं ऊपर चलते हैं, ग्रैंड पे तो नहीं, यहाँ पे नहीं ग्रैंड पे नहीं है। अब फटाफट जाके ना हमें क्रोबार उठाना पड़ेगा, मेरा क्रोबार वो रहा वो पड़ रखा भाई। देखो सेवे ग्रैंड पा ने भाई अपनी एक छड़ी मेरे मुंह पे बजाई और मेरा क्रोबार देखो कहाँ पे आके गिर गया। फिलहाल फटाफट इसको उठाते हैं यहाँ से। अब ग्रैनी ना आ जाए, वो ग्रैंड पा आ गया भाई। देखो मैं सोचा ग्रैनी ना आ जाए लेकिन ये बुढ़ा यहाँ से आ गया। अब फिलहाल एक काम करते फटाफट से नीचे चलते हैं। देखो भाई मेरे पीछे पीछे आएगा भाई, इसको कोई चैन नहीं है, मतलब कहीं और जाकर सो नहीं सकता। अब फिलहाल एक काम करते इसको मैं खोलूँ और इसमें ओ भाई कटिंग प्लायर्स मिल गए। तो चलो वैसे यहाँ पे इसी का यूज़ था, अब यहाँ पे ग्रैंडपा आ तो नहीं रहा, मैं काश ना आया भाई, इसे मैं बहुत ही दिमाग खराब कर रहा है। तो यार अभी मुझे लग रहा है कि ग्रैंडपा ना ऊपर ही जा चुका है। फिलहाल एक काम करते हैं यहाँ से ना फटाफट निकल लेते हैं, क्योंकि अगर ग्रैंडपा दोबारा से नीचे आ गया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब बस ये सीढ़ियों पे ना खड़ा हो, सीढ़ियों पे अगर खड़ा हुआ तो मेरा मुंह तोड़ देगा, लेकिन नहीं है नहीं है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं ऐसा ना फटाफट निकल लेते हैं, अभी हमें ऊपर जाना और ऊपर जो जो बॉक्स होता है जिसमें चेन काटनी पड़ती है उसको काटना पड़ेगा, और उसके बाद देखते हैं आखिरकार उस वाले बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है हमें। अब पिछली बार शायद जितना मुझे याद है शायद मुझे वहाँ से सेफ की मिली थी, अब देखते हैं इस बार हमें क्या मिलने वाला है। तो एक काम करता अभी ना इस दादा को जाना दो भाई, ये दादा यहाँ से चल जाएगा, उसके बाद मैं पीछे से निकल जाऊंगा। लेकिन ये वाली पेंटिंग अपने आप कैसे गिर जाती है भाई, इसमें बहुत ही समय दिक्कत है इस गेम में भाई, अपने आप ही चीज़ें गिरने लग जाती है। अब इसको जल्दी से खोलो, अब यहाँ से फटाफट हम ऊपर निकल लेते हैं, ऊपर जाके जल्दी से वाला बॉक्स खोलते हैं। अब फिलहाल कौन सा भाई दरवाजा था इसमें, ये वाला था नहीं वो वाला, सामने वाला है। अब इसको खोला, अब यहाँ पे देखते हैं आखिरकार हमें नीचे जाना पड़ेगा। अब सामने जो आपको बॉक्स दिख रहा है उसको खोलना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये क्या पड़ रखा है, हैंड ग्रेनेड। ओ भाई यहाँ पे ग्रेनेड भी मिलते हैं इसमें भाई साहब, मुझे तो भाई पहले कभी मिले नहीं ग्रेनेड, लेकिन इस बार मुझे मिल गए। अब फिलहाल मैंने इनका यूज़ भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या मिला मुझे, ओ भाई इस बार भी सेफ की। देखो पिछली बार भी हमें सेफ की मिली थी और गाइस इस बार भी हमें सेफ की मिली है, तो चलो कोई बात नहीं, इसका भी अभी बहुत ही काम है। अब फिलहाल इसको मैंने यहीं से नीचे गिरता हूँ। अब सामने जो बॉक्स है इसमें से मैं इसको जाले में से इस जाले में से नीचे गिरूंगा। अब जल्दी से खुल जाना, क्या दिक्कत हो रही है इसको। तो चलो यहाँ से नीचे फेंको भाई, कहाँ अटक गया। चलो इस बार नीचे गिर जाओ। चलो यहाँ पे फटाफट अभी ना जाके अपना वो जो ग्रेनेड से है ना भाई उसको उठा के देखता आखिरकार ग्रेनेड का क्या यूज़ होने वाला है। अब फिलहाल में देखो मैंने दो तीन बार इस गेम को खेला लेकिन भाई ग्रेनेड मुझे मिले नहीं, लेकिन इस बार ये ग्रेनेड मिल चुके हैं। फिलहाल मैं एक बार में एक ही ग्रेनेड उठा सकता हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं आखिरकार इसका धमाका कैसा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे मुझे भाई ये अजीब अजीब से साउंड क्यों आ रहे हैं भाई साहब, ये नीचे से मुझे कुछ अजीब से साउंड आ रहे हैं। अब फिलहाल नीचे जाकर मुझे देखना पड़ेगा आखिरकार सीन क्या चल रहा है। अब एक काम करते हैं ऐसा ना नीचे कूदते हैं। अब यहाँ से सामने साइड से मुझे किचन में से आवाज़ आ रहा है भाई, ऐसा कुछ ना कुछ तो भाई बहुत ही गलत वाला साउंड आ रहा है भाई, पता नहीं कैसा साउंड आ रहा है, वो तो हमें जाके चेक करना पड़ेगा। फिलहाल मेरी सेफ्टी ये पड़ी, और सामने से भाई ये लाइट कैसी आ रही है, एक सेकेंड, ये सामने से लाइट और धुआं भाई, ये क्या हो रहा सामने। ओ भाई ग्रहणी देख रहे हो आराम से यहाँ पे अपने बर्तन धो रही है। अब इसको चेक करें कैसा धमाका होने वाला। ओ भाई भाई इतना खतरनाक धमाका, मतलब एक बार में इस ग्रैनी का मुंह तोड़ दिया भाई, पूरी की पूरी उड़ गई है। तो चलो यहाँ पे ना फटाफट इस सेफ की को अभी लेके नीचे चलते हैं, बस ग्रैंडपा ना आ जाए भाई, बस ग्रैंडपा ना आ जाए नीचे से। नहीं नहीं चलो फटाफट यहाँ से अभी इसको लेके निकलते हैं, और वो वाला कमरा ये वाला है जिसमें हम सेफ की यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें क्या मिला, पैडलॉक की। भाई पैडलॉक की का यूज़ होता नहीं है शायद मेरे हिसाब से, भाई हेलीकॉप्टर स्केप में पैडलॉक की का कोई भी यूज़ नहीं होता। अब फिलहाल एक काम करना पड़ेगा, मेरी शॉटगन कहाँ गई भाई, मेरी शॉटगन कहाँ गई, मैंने उसको पिछली बार यहीं पे कहीं पे छोड़ा था, लेकिन मेरी स्टनगन भी भाई पता नहीं कहाँ गायब होगी। स्टनगन मुझे याद है, हाँ इसको मैंने यहीं पे इसी वाले कमरे में छोड़ा था, ये पड़ी मेरी स्टनगन, ये पड़ी भाई, इसको तो मुझे याद था। अब फिलहाल इस वाले कमरे में रेंच पड़ रखा है, ओ भाई रेंच का यूज़ करते हैं। अब एक काम करते हैं उसको ना पैट को जाकर सुलाना पड़ेगा, देखते हैं आखिरकार उसके पैट के पास हमें क्या मिलने वाला। भाई नीचे गिर जाना तो भाई बार बार ऊपर ही आ जा रहा है, अब इस बार नीचे गिर जियो।
भाई साहब तो चलो यहाँ पे भाई एक कम से कम ये गिर गया। अब एक काम करते हैं यहाँ पे भाई कोई आ तो नहीं रहा, अब फटाफट नीचे चलते हैं। अब यहाँ से रेंच देख लो भाई कहाँ अटक गया रेंच, अब यहाँ से इसको खोल देता हूँ। अब एक काम करते पहले जा बाहर जाके देख लेते हैं कोई है तो नहीं यहाँ पे कोई। ओ भाई एक सेकंड भाई साहब ये ग्रैंड पर कहाँ से आ गया एकदम से। अब दोबारा से सोचा, हमेशा के लिए सोचा आराम से सोचता ना, अब हमेशा 2-3 मिनट के लिए सो ही जाता हूँ। अब यहाँ से फटाफट रेंच उठाओ, रेंच का अभी जाके नीचे जो पानी है उसको बंद करना पड़ेगा, उसके बाद उसके पेट को सुलाएंगे और देखते हैं आखिरकार हमें वहाँ से क्या मिलने वाला है। अब फिलहाल फटाफट नीचे चलो, यहाँ से भाई कहाँ अटक गया मैं। तो चलो अभी जाके ना ये वाला मैं जो पानी से है इसको बंद कर देता हूँ, जल्दी से बंद हो जाओ, अरे बंद हो जाना। चलो बस अभी मुझे लग रहा है ये बंद हो चुका है। और फिलहाल एक काम करते हैं फटाफट ऊपर चलते हैं, वहाँ से अपनी स्टन गन उठाएंगे, उसके बाद भाई जो उसका कीड़ा सा ना उसको भाई सुला देंगे और देखते हैं आखिरकार हमें उससे क्या मिलने वाला। और भाई इसका कीड़ा ना भाई इस समय बहुत ही खतरनाक होता है भाई, एक बार उसने डस दिया ना तो भाई कम से कम 10-15 सेकंड के लिए तुम्हें सुला ही देगा वो, 10-15 सेकंड शायद ज़्यादा बोलते हैं। तो चलो बंदे भाई एक बार देख लेते हैं। और फिलहाल यहाँ से अपनी स्टन गन उठा लो, अभी जल्दी से उठा ले इसको। तो चलो बस अभी ना फटाफट अपनी स्टन गन उठा लिया, बस ग्रैंडी ना आ जाए यहाँ से। अब मुझे ग्रैंडी को मैंने सुला देता हूँ। यहाँ पे कपड़ा पीस ऑफ पेपर, अच्छा भाई यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर जिसकी जरूरत थी वो हमें यहाँ से मिल चुका है। अब इसको यहाँ पे फेंको, अब मेरी स्टन गन जल्दी से उठा लो, उसके बाद इसके कीड़े को सुलाता हूँ। इधर आ, कीड़े कहाँ गया तू भाई, कोई बाहर से आ तो नहीं रहा। तो गाइस अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी ना फटाफट इस पीस ऑफ पिक्चर को उठाते हैं, इसको ना काम खत्म करते हैं इसका पूरा, इसको जाके ऊपर लगा देते हैं, उसके बाद देखो इसका जो चिलबूजा कीड़ा ना उसको सुलाएंगे, उसके बाद वहाँ से सामान उठाएंगे अगर कुछ हमें मिलता है। अब एक काम करते हैं इसको ना फटाफट लेके ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे कोई है तो नहीं, अब मैंने दोनों को तो सुला दिया, बस यहाँ पे भाई ग्रैनी एकदम से ना लुढ़क जाए, मतलब टपक ना जाए एकदम से। देखो उसका भाई बहुत ही पंगा होता है, कहीं से भी भाई कभी भी आ जाती है। अब फिलहाल इसको ना फटाफट लेके ऊपर चलते हैं, उसके बाद भाई ये पीस ऑफ पिक्चर वाला भाई तो कंप्लीट हो चुका है, बस उसके सामने वाले गेट खोलना है हमें, उसके बाद अंदर से जाना पड़ेगा। भाई समय अभी बहुत ही ज़्यादा काम पड़ा है। चलो यहाँ पे वाला ये तो कंप्लीट हो गया और ये खुल गया ये वाला गेट। और फिलहाल यहाँ पे क्या पड़ा है, ग्लास फ्यूज, अभी इसका भी यूज़ पड़ा है लेकिन किसको कहाँ पे लगाते हैं भाई मैं भूल गया, इसको आगे जाके देखे क्या आगे कहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा क्या नहीं, यहाँ पे वाला तो गेट खुलेगा, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा भाई ये जो सामने आपको दिख रहा है निशाने से भाई इसको तोड़ना पड़ेगा, इनको तोड़ूंगा और इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से भाई ये तो भाई बुलेट शेल्स निकल रहे हैं, अब इनकी तो मुझे जरूरत नहीं है। फिलहाल एक काम करते हैं अभी ना इसको मैं यहीं पर रख देता हूँ, इसको भाई ग्लास फ्यूज़ को यहीं पे रखो, उसके बाद भाई जाके ना नीचे से फटाफट अपनी वो उठाते हैं, क्या कहते हैं उसको स्टन गन उठा के लाते हैं, उसके बाद भाई वो वाला कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके सामने वाला भाई जो डोर है ना वो खुलने वाला है। अब फिलहाल मेरी स्टन गन कहाँ गई, मेरी स्टन गन कहाँ गई भाई, मैंने पिछली बार तो यहीं पे कहीं छोड़ा था उसको, भाई कहाँ निकल गई वो, इसमें इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो भाई मैंने पहले चेक कर लिया था, लेकिन भाई मेरी स्टन गन मैंने कहाँ छोड़ दी पिछली बार, उसको मैंने यहीं कहीं छोड़ा था ना शायद, भाई साहब नीचे छोड़ा शायद मैंने, भाई मुझे अभी याद नहीं आ रहा, हाँ नीचे छोड़ा था, देखो जब मैंने पीस ऑफ पिक्चर उठाई थी उसके बाद मैंने उसको नीचे छोड़ दिया था। भाई साहब मैं कितना ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ मैं। ओ भाई भाई कहाँ से आ गई भाई साहब, देख लो अभी मैं सोच रहा था जाके अपने पीस ऑफ पिक्चर उठाऊँ, मतलब स्टन गन उठाऊँ, लेकिन ये बुढ़िया पीछे से आ गई। अब एक काम करता है फटाफट इसको उठा लेता है, जल्दी से उठा लेना। तो चलो अभी इसको मैंने उठा लिया, अब एक काम करता है इतना भाई ग्रैनी का मैं एक बार सुला देता हूँ, इधर इधर आ ग्रैनी, इधर आ इधर आ, ये रहा मैं जल्दी से। तो चलो बस अभी यहाँ पे ग्रैनी भी सो चुकी है, अब जल्दी से मेरी स्टन गन की एमो दे, मेरी एमो दे भाई, एमो उन्हें लेके नहीं जाना। अब फिर यहाँ पे ग्रैंडपा तो नहीं है सामने, ग्रैंडपा कहाँ का, ग्रैंडपा तू भी आ जा रहे, एक बार तू भी मत्थे पे खा ले, उसके बाद तू भी अपनी ग्रैनी के साथ जाकर आराम से सो जियो। अब फिलहाल यहाँ पे ऊपर की साइड ग्रैंडपा है तो नहीं, ऊपर मुझे दिख तो नहीं रहा, मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा। चलो चलो यहाँ पे फटाफट ऊपर चलते हैं, उसके बाद भाई वो जो बटन है ना उनको तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे उसके बाद वो सामने वाला गेट है जो लॉक है वो मुझे लग रहा है खुल जाएगा। अब फिलहाल कहाँ गए वो भाई, कहाँ चले गए, आगे वाले रूम में शायद। अब फटाफट लेके ना इसको निकलते हैं आगे साइड, और यहीं पे हाँ ये रहे, अब इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। और भाई साहब कितने तेज चल रहे हैं भाई ये, तो एक बार ट्राई करके देखो भाई किस वाले पे मारूं, यहाँ पे तीन तीन है। अब फिलहाल एक काम करता हूँ इस पे मार के देखता हूँ, और एक भाई साहब मिस, पहला ही मिस। अब इसको दोबारा से उठाओ, अब यहाँ पे दोबारा से मुझे इसको मारना पड़ेगा, 1, 2 और 3, भाई कितनी तेज है भाई ये, तो मुझे लग रहा है भाई होएगा भी नहीं। तो यार अभी ना इसमें मारते मारते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन पहला पहला शॉट लग गया यहाँ पे। तो चलो गाइस यहाँ पे पहला शॉट तो लग गया, और फिलहाल बस दूसरा शॉट भी लग जाए, तो चलो भाई यहाँ पे दूसरा शॉट भी लग गया, बस यहाँ पे बारी अब तीसरे की, ये भी भाई लग जा, तू भी एक बारी में लग जा। और यहाँ पे नहीं भाई मिस, ये मिस, कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे। और यहाँ पे भाई ये वाला भी मिस, भाई लग जाना प्लीज़। ओ तो चलो चलो यहाँ पे ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे लग रहा है ये वाला गेट खुल जाएगा। तो चलो भाई ये वाला गेट खुल गया, और फिलहाल एक काम करता है फटाफट, मैं नीचे कैसे गिरा भाई साहब, नीचे कैसे गिरा, मैं तो आगे जा रहा था भाई, ये क्या सीन है। अब इसको उठाओ, तो मैं नीचे पता नहीं कैसे गिर गया भाई, मुझे समझ नहीं आया। अब मुझे ना सामने ना एक रास्ता शायद नीचे वाला, वो जो एक बिल्डिंग सी बिल्डिंग कह रहा भाई, वो नीचे वाला फ्लोर था ना शायद, वो टूट गया था, लेकिन वो टूटा कैसे भाई,
एक बार जाके देखते हैं, एक बार ना जाके चेक करना पड़ेगा मुझे। और फिलहाल मुझे लग रहा है वहाँ पे यूज़ होने वाला है जो ग्लास फ्यूज मिला था ना, मुझे लग रहा है उसका यूज़ होने वाला, तभी जाके वो नीचे वाला फ्लोर बंद होएगा। और फिलहाल वो कहाँ पे छोड़ दो मैंने पिछली बार, ये रहा ये रहा। अब जल्दी से मैं इसको उठा लेता हूँ भाई, इसलिए मैं बड़ा गंदा नीचे गिरा था मैं। अब इसको भाई कहाँ यूज़ करना पड़ेगा, आगे साइड यूज़ करना पड़ेगा ना शायद। एक काम होता है इसको ना आगे लेके चलते हैं। और देखो मैं नीचे कहाँ से गिरा, और देखो ये रहा रास्ता जहाँ से मैं नीचे गिरा था। अब पहले मैं इस दरवाजे को बंद कर देता हूँ यहाँ से, तो चल तू बंद हो जाओ। और ये वो जगह जहाँ से लगाना था। अब मुझे लग रहा भाई ये वाला फ्लोर, हाँ देखो अब ठीक हो गया, अब ठीक होगा भाई। पिछली बार जैसे मैं आगे बढ़ा भाई ऐसे नीचे गिर गया। अब देखो पीछे अपना हेलीकॉप्टर खड़ा रखा है, अब यहाँ से इसी हेलीकॉप्टर को लेके भागना है। अब इसको खोलो, अब यहाँ पे देखते क्या पड़ रखा है इस वाले डोर में। भाई यहाँ पे तो हैंड व्हील पड़ा है जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है। अब पीछे एक जगह है लेकिन वहाँ से जाऊँगा नहीं मैं। अब फिलहाल एक काम करते हैं यहाँ से ना फटाफट निकलते आगे साइड, लेकिन उससे पहले अपनी स्टन गन उठा लेता हूँ। चलो अभी मैंने स्टन गन उठा लिया, अब एक काम करते हैं यहाँ से ना इसको लेके नीचे चलते हैं। उसके बाद हमें ना ग्रैसोलीन ऑयल ये मेरा पड़ा, अब इसको जाके भाई जो फ्यूल है उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो है डॉक टेप। और गाइस एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे भाई हेलीकॉप्टर की भी चाहिए हमें भाई, उसके बिना तो भाई यहाँ पे एस्केप हो ही नहीं पाएगा। और फिलहाल कोई बात नहीं भाई, हमें उसको भी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जाकर ना भाई फ्यूल मैं भर देता हूँ। जल्दी से चलो अंदर। और देखो यहाँ पे एक और बोट स्टेयरिंग व्हील पड़ा है, मतलब पिछली बार भाई एक भी नहीं मिलता, यहाँ पे दो दो तीन तीन पड़ रखे हैं। ये ग्रैनी की साउंड कहाँ से आ रहा है भाई, ये ग्रैनी का साउंड ऊपर कैसे आ गया? तो चलो अभी ना फटाफट मैं इसको भाई टंकी फुल करता हूँ, लेकिन ग्रैनी का साउंड मुझे आया भाई ऊपर ना आ जाए भाई। अगर ऊपर आ गया तो हमें बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, मेरे साथ साथ इस प्लेन को भी तोड़ देगी। वैसे यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो चलो अभी ना फटाफट यहाँ पे ना इसको लेके नीचे चलते हैं, क्योंकि देखो अभी गैसोलीन ऑयल का काम तो खत्म हो चुका है। और यहाँ पे भाई हमने फ्यूल भर दिया है, और फिलहाल बस मुझे चाहिए एक डॉग टेप और एक चाहिए क्या कहते हैं उसको वेपन की कह रहा हूँ हेलीकॉप्टर की, चाहिए तभी जाके हमारा एस्केप हो पाएगा। और फिर इसको यहीं पर फेंको, इसका कोई यूज़ नहीं आ पाएगा जाके। अब मेरी स्टमन कहाँ गई, उसको नीचे छोड़ कर मैंने, हाँ देखो नीचे पड़ रखे। अभी जाके ना फटाफट मैं इसको उठा लेता हूँ भाई साहब, यहाँ पे नीचे क्यों मैंने फेंक दिया इसको। अब इसको ओ भाई ये मैं बच कैसे गया साहब, ये बच कैसे गया? मतलब ग्रैंड पा देखो मेरे मुंह के सामने खड़ा था, और जैसे नीचे उतरा भाई देखो मेरे सामने खड़ा था, लेकिन भाई मैं पता नहीं कैसे बच गया। अब फिलहाल देखो ये बुढ़ा पागल हो रखा है, पता नहीं क्या देखे जा रहा है। अभी ना इसको जान दो यहाँ से, जब ये चल जाएगा उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा। अगर इसकी जगह ग्रैनी होती ना अभी तक भाई उसने मेरे को मार दिया था, लेकिन भाई ये तो भाई बुझ है, एक नंबर का बुझ है। अब यहाँ से ये जा चुका है, हाँ चलो यहाँ से चला गया, इसने दरवाजा भी बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं, हमेशा ना फटाफट अपनी स्टमक उठाते हैं। उसके बाद इसको मैंने एक बार सुला दूँ क्या, एक बार मैं सुला देता हूँ। कहाँ गए ये बुढ़ा, कहाँ चला गया भाई साहब, ये बुढ़ा कहाँ गया भाई? अभी तो यहीं पे निकला था एकदम से, अब यहाँ एकदम से गायब भी हो गया भाई। ये साउंड कैसे अपने आप हो जाता है भाई? तो चलो बस अभी ना मुझे एक डॉग टेप की जरूरत पड़ेगी। अब फिलहाल सामने जो कोई आ तो नहीं रहा, नहीं कोई सामने से आ नहीं रहा, अब मैं जाके एक बार देख लूँ क्या। अब यहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहा मुझे सामने, एक बार चेक करता हूँ इसको, इसमें क्या पड़ रखा है, इसमें कुछ नहीं, इसको मैंने शायद पिछली बार चेक कर लिया था। ओह नहीं नहीं भाई बच गया भाई साहब, ग्रैनी भी पीछे से आ रही है। जल्दी निकलो यहाँ से निकलो भाई, ये मेरा मुंह तोड़ दिया अगर मैं इसके सामने गया। अब फिलहाल मेरी स्टन गन तो भाई ऊपर ही रहेगी फिलहाल उसकी एमओ, लेकिन कोई बात नहीं अभी ना फटाफट चलते हैं यहाँ से, पीछे साइड से चलेंगे, पीछे साइड से जाकर फटाफट अपनी स्टन गन की एमओ उठाएंगे। उसके बाद इस ग्रैनी का मुंह तोड़ता हूँ, और यहाँ पे इसमें क्या पड़ा, स्पार्क पर लगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब फिलहाल यहाँ से मैं निकल लेता हूँ, ग्रैनी ना आ जाए भाई, ग्रैनी ना आ जाए, नहीं यहाँ पे ग्रैनी नहीं है। तो अभी ना फटाफट यहाँ से निकलना, इसमें क्या पड़ रहा है, ओ भाई नहीं नहीं अब यहाँ से नहीं जाना। ये ग्रैनी कहाँ से आ गई, मैंने साउंड तो भाई उस साइड करा था, लेकिन भाई ये बुढ़िया यहाँ से कहाँ से आ गई। तो चलो कोई बात नहीं, अभी ना फटाफट इसने देखो, अब इसने भाई अपनी चला के दिखा दी, इसने पीछे से ना अपना एक ट्रैप बिछा दिया जिसका साउंड तुम्हारे भाई को आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी नीचे की तो जरूरत नहीं, अभी हमें ऊपर ही जाना है। अब यहाँ पे स्टन गन की एमो ये लिया भाई, ये फटाफट उठा लेते हैं इसको, अब जल्दी से हमें जाना पड़ेगा। मैंने डॉग टेप मुझे मिली नहीं मिली थी डॉग टेप। अब फिलहाल यहाँ पे इसमें कुछ नहीं पड़ा, यहाँ पे शॉर्ट गन पड़ा, भाई शॉर्ट गन उठाते हैं, स्टन गन भाई शॉर्ट गन से मारेंगे इस बुढ़िया को। अब कहाँ गई, एक काम करते हैं इसको ना मैं बुलाता हूँ, आजा ग्रैनी आजा। तो चल निकल आ भी और साथ में जा भी। तो चलो अभी ना मैंने इसको लुटका दिया, फिलहाल इसमें क्या पड़ रखा है, इसमें कुछ नहीं पड़ा भाई साहब, यहाँ पे डॉक टेप नहीं मिल रही भाई, इतना टाइम हो गया मुझे ढूंढते ढूंढते, लेकिन अभी मुझे डॉक टेप मिली नहीं। अब फिर एक काम होता, आगे वाले रूम में चेक कर लेते हैं, इसमें पिछली बार मैंने चेक करा था, लेकिन यहाँ पे रेंच पड़ता और यहाँ पे एमओ पड़ी रहता, तो इसको मैं उठा लेता हूँ। अब फिलहाल यहाँ से ना नीचे निकलते हैं, बस ग्रैंड पर ना हो यहाँ पे, नहीं ग्रैंड पर नहीं है। अब यहाँ पे जब फटाफट चलते हैं आगे साइड, तो गाइस मैं सोचा अभी ना इसके पैड को सुलाते हैं, इसके पैड को ना इधर आ भाई, चिल बूझे से तू, बड़ी देर से तो मैंने छोड़ रखा था, लेकिन अब तेरी बार है। अब यहाँ पे क्या मिला, ओ भाई हेलीकॉप्टर की। तो चलो वैसे यहाँ पे हेलीकॉप्टर मिल चुकी है, अब इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, फटाफट जाकर अपनी भाई शॉर्ट गन उठाते हैं, कहीं भाई एकदम से ग्रैंड पर आ जाए, मेरी शॉर्ट गन जल्दी से उठा दो, मेरी शॉर्ट गन उठा लो। तो चलो अभी ना फटाफट इस शॉर्ट गन को लेकर आगे चलते हैं। अब गाइस यहाँ पे बस एक चीज़ की और जरूरत है, बस वो है डॉग टेप। उसके बाद भाई उसकी जो पंखड़ी से होती है हेलीकॉप्टर की, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे हेलीकॉप्टर की लगाएंगे और जल्दी से भाग लेंगे। अब एक काम करता है, फटाफट इसको ना लेके आगे निकल लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अभी डॉग टेप की चाहिए होगी, सॉरी डॉग टेप की कह रहा है भाई, डॉग टेप ही होती है, उसको भी मैं अभी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन भाई वो कहाँ मिलेगी, मतलब मैंने पूरा का पूरा एरिया तो ढूंढ लिया, लेकिन अभी तक मुझे मिली नहीं यार वो।
तो चलो गाइस, अभी ना बस लास्ट एरिया रह गया, बस वो नीचे का है, क्योंकि मैंने ऊपर का सारा कुछ ढूंढ लिया लेकिन अभी तक मुझे डक्ट टेप मिला नहीं। और देखो यहाँ पे पड़ रखा है भाई डक्ट टेप, इसको डक्ट टेप कहते हैं कि डक्ट टेप कहते हैं भाई पता नहीं। तो चलो अभी ना फटाफट लेके इसको ऊपर चलते हैं, उसके बाद भाई जो उसके पंखड़ी से है ना उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। बस उसके बाद वेपन की भाई मैं बार बार हेलीकॉप्टर की को वेपन की कही जा रहा हूँ, उसके बाद उसको लगाएंगे और यहाँ से हम भाग जाएंगे। लेकिन सामने ट्रैप पड़ा है, बच गया भाई यहाँ पे, मुझे लग रहा है ट्रैप में फंस जाऊंगा। अब ये ग्रैंड पापा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी दिक्कत कोई बात नहीं है फिलहाल, बस डक्ट टेप तो मुझे मिल चुकी है। अब इसको फटाफट लेके ऊपर चलते हैं, देखो ग्रहणी भी पीछे है भाई, देखो दोनों साथ में थे। अगर भाई वहाँ से निकलते ना पीछे साइड से भाई पक्का दोनों मुझे भाई बीच में फंसा के भाई मेरी कटाई कर देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी फटाफट इसको लेके ऊपर चलते हैं। उसके बाद गाइस जल्दी से मैं इसको ठीक करता हूँ। लेकिन यहाँ पे लगता है, यहाँ पे भाई कहाँ पे लगता है भाई साहब, लग क्यों नहीं रहे। तो चलो अभी एक ऑप्शन आया तो था, अभी आया था ऑप्शन, तो चलो बस यहाँ पे इसको मैंने ठीक कर दिया है। तो बस यहाँ पे अपना एरोप्लेन तो रेडी हो चुका है, अब बस जाके मुझे वेपन की भाई बार बार मैं वेपन की कहीं जा रहा हूँ भाई, क्या कहते हैं उसको, एक सेकेंड, हेलीकॉप्टर की, यहाँ हेलीकॉप्टर ही लेने के लिए लेना पड़ेगा। अब उसको भी जाके मैं उठा लेता हूँ, और हेलीकॉप्टर की तो भाई नीचे पड़ रखा है, लेकिन आगे से नहीं जाऊँगा, आगे से भाई वो दोनों ग्रैनी खड़े रखे हैं। बस यहाँ से मुझे नीचे आना, और शॉटगन की एमो नहीं उठा सकता भाई, जब तक मेरे हाथ में शॉटगन नहीं रहेगी तब तक मैं उसकी एमो उठा नहीं पाऊंगा। और फिलहाल एक काम करते हैं, फटाफट मैं जाकर अपनी हेलीकॉप्टर की उठा लेता हूँ। मेरी हेलीकॉप्टर की कहा कि मैंने पिछली बार तो उसको यहीं पर छोड़ा था, ये नहीं, अब जल्दी से इसको उठाते हैं और फटाफट यहाँ से ना पीछे वाले दरवाजे से निकलता है भाई, आगे से क्यों जा रहा हूँ मैं, पीछे साइड से निकलते हैं। उसके बाद भाई यहाँ से हम निकल जाए, तो भाई यहाँ पे अपना एस्केप तो हो चुका है, बस जाके मुझे हेलीकॉप्टर की लगानी है, उसके बाद बस यहाँ से हम उड़ जाएंगे। और फिलहाल एक काम करते हैं, फटाफट इसको लेके ऊपर चलते हैं गाइस, उसके बाद हम जस्ट यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट ना ऊपर आ चुका हूँ, अब इसको लेके ना आगे चलते हैं, अब जल्दी से यहाँ पे ना इसको लगाएंगे। और गाइस यहाँ पे सही में भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई, लेकिन यहाँ पे हम जैसे तैसे करके यहाँ से भाग चुके हैं अगर बस भागने वाले हैं, फटाफट जाके मुझे बस हेलीकॉप्टर की लगानी है इसमें। तो चलो यहाँ पे मैं किस्मत करते हैं, इसको लगाते किस्में भाई, लग क्यों नहीं रही। और चलो यहाँ पे फटाफट यहाँ से इंजन स्टार्ट करते हैं गाइस, यहाँ से हम भाग चुके हैं। तो चलो गाइस आज की वीडियो बस इतने, अगर वीडियो बढ़िया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर GTA 5 का एपिसोड कल आने वाला है तो उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।